गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर 8th क्लास सेकंड चैप्टर क्वेश्चन आंसर। देखो, चैप्टर हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं बताया करवाए थे, तो अभी अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। द सुनामी हमारा चैप्टर था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वेदर द आर ट्री और फॉल्स, ट्री और फॉल्स बताना है। इग्नियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ, हिज ब्रदर इन लॉ, द सुनामी, ये मैंने आपको पहले करवाए थे, तो पहले का आंसर हमारा क्या रहेगा? ट्रू। हाँ जी, उसने इन सबको खो दिया था। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, क्या संजीव सेफ बच गया था सुनामी के बाद? फॉल्स, नहीं बचा था, वो भी उसके साथ ही बह गया था। मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, क्या उसे हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था? नहीं, उसे हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया था, वो खुद किनारे पर आई थी। मेघना अलार्म्स फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, इसका आएगा ट्रू। हाँ जी, उन्होंने महसूस कर लिया था कि सुनामी आने वाला है। हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, तो फिफ्थ का आंसर भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। हाँ, तो उसकी ग्रैंड मदर और आंट ने जो भी पकड़ा था पेड़ की ब्रांच, वो बह गई थी उसके साथ ही जब वो बही थी। तो क्वेश्चन नंबर दो हमारा है, डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? तो आंसर देखो, टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर तीन, व्हाट वर द वार्निंग साइन द बोथ टिली एंड हर मदर इन लॉ, वार्निंग साइन क्या था टिली और उसकी मदर के लिए? बोथ टिली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप, टिली और उसकी मदर ने देखा कि सूर्य की, सॉरी, समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर उठ रही है, और स्वेलिंग अप, वो बार बहुत ज्यादा हिल रही है, उनके अंदर स्वेलिंग हो रही है, ये उन्होंने साइन देखा वार्निंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, क्या आपको लगता है कि टिली की माँ ने उनको सचेत कर दिया था, यानी कि उनके साथ जो लोग थे उनको चेतावनी दे दी थी? तो इसका आंसर क्या है? टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, टिली की माँ नहीं समझ पाई थी व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या घटित होने वाला है। ओनली रियलाइज दैट इट वाज सीरियस, बस इतना उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो सीरियस बात है। व्हेन टिली गॉट फ्राइटेंड, वो भी कब? जब टिली डर गई थी। एंड मेंशन व्हाट ए सुनामी वाज, और उसने अपनी मदर को बताया कि सुनामी क्या होता है। आंसर नंबर फाइव, व्हाट वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, टिली ने ऐसा ही कहाँ देखा था? तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग सेम स्ट्रेंज फैशन, वीडियो ऑफ ए सुनामी, एक सुनामी का वीडियो दिखाया गया था उन्हें ज्योग्राफी की क्लास में। वेयर हैड हिट द हेवलन आइसलैंड इन 1946, जो कि हवालियन द्वीप में आया था 1946 में, कहाँ पर? ज्योग्राफी की क्लास में, उनको एक टीचर ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ओर टू बीच गो टू स्केप फ्रॉम द सुनामी, स्मिथ की फैमिली और बाकी दूसरे लोग कहाँ चले गए थे सुनामी से बचने के लिए? स्मिथ फैमिली और बाकी दूसरे लोग कहाँ गए थे? रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, होटल के थर्ड फ्लोर के ऊपर उन्होंने रिफ्यूज होता है शरण लेना। क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन पकेट, आपको क्या लगता है कि उसकी ज्योग्राफी की टीचर को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे पता चला कि टिली ने पॉकेट के अंदर क्या किया था? तो टिली'स ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर, ये मैंने आपको पहले भी समझाए थे। तो टिली की टीचर को उसे बहुत प्राउड हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि उनकी क्लास के बच्चों को, उसके क्लास के एक स्टूडेंट ने सेव सो मैनी लिव्स, इतनी सारी जिंदगियों को बचा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, सुनामी के अंदर इतने लोग मारे गए थे, जानवर कोई मरा था? नॉट मैनी एनिमल डाइड, कोई ज्यादा नहीं थे। तो हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाई इन याला नेशनल पार्क, 60 विजिटर्स, ओनली 2 वाटर बफेलो डाई याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में 2 वाटर बफेलो मरे थे और 60 विजिटर्स मरे थे। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको ब्लैंक के अंदर फिल करने हैं। आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल, मैं नहीं जानता संजीव चीयरफुल था, एम्बिशियस था या फिर ह्यूमरस था, यानी कि वो ज्यादा मजाक करने वाला था या एम्बिशियस था, कोई इच्छा रखने वाला। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, मैं सोचता हूँ वो बहुत ब्रेव था, बहुत हीरोइक था, बहुत सेल्फलेस था, यानी कि उस वो खुद के बारे में नहीं सोचता था, निस्वार्थ भाव था, दूसरों के बारे में सोचना, बहुत हीरो वाले काम करने वाला था। संजीव वाज नॉट हार्टलेस,
ब्रशर और केयरलेस, वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं था, बिल्कुल भी ब्रश नहीं था और बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं था। ये ब्लैंक में आपको फिल करने हैं। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क, लोगों ने हाथियों के बारे में क्या क्या कहा याला नेशनल पार्क के? तो द पीपल एट द याला नेशनल पार्क सैड सीन थ्री एलिफेंट्स रनिंग वे, उन्होंने क्या देखा था कि हाथी जो है वो यहाँ से भागकर कहीं और जा रहे हैं, पेंटागाला बीच पर जा रहे हैं। 1 घंटा पहले ही द सुनामी, सुनामी के आने के 1 घंटा पहले ही जो हाथी थे वो यहाँ से छोड़कर दूसरे बीच के ऊपर जा चुके थे। हाउ आर मेघना एंड अलार्म्स स्टोरीज सिमिलियर, मेघना की और अलार्म की कहानी आपस में समान कैसे है? तो देखो इसका, मेघना और अलार्म्स फैमिलीज वर वॉश्ड अवे, दोनों के परिवार बह गए थे। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, कई दिनों तक वो उसी समुद्र के अंदर बहते रहे थे। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 डेज, मेघना 2 दिनों तक समुद्र में बही थी एक वुडन डोर को पकड़े हुए। शी वॉज ब्राउट टू द श्योर बाय, एक लहर के द्वारा वो किनारे पर आ गई। और इसी समान तरीके से अलार्म्स क्लाइम्ड ऑन द लॉग ऑफ वुड, अलार्म्स किस पे चढ़ गया, एक लकड़ था बहुत बड़ा उसके ऊपर, एंड फेंटेड और बेहोश हो गया। सी वॉक अप इन ए हॉस्पिटल, जब वो उठी तो वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में ही थी। बोथ द गर्ल्स, दोनों ही लड़कियाँ ट्रेमिस्ड आफ्टर द इंसिडेंट, बहुत ही ज्यादा डर गई थी इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद। मेघना वॉज सीन वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, मेघना जब उठी तब उसने अपने आप को एक समुद्र के किनारे पर बेहोश पाया। अलमस डस नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट टू एनीवन, और अलमस किसी से बात नहीं करती थी इस घटना के बारे में, यानी कि बहुत घबरा गए थे। दोनों के साथ सेम हुआ, पूरा परिवार बह गया, सिर्फ वही दोनों बची थी और कोई बचाने नहीं आया, खुद ही वो किनारे पर आई थी। व्हाट डिड द डॉग इन गैले डू, डॉग कुत्तों ने क्या किया, डॉग एट गैले, गैले के अंदर जो कुत्ते थे उन्होंने जाने से मना कर दिया डेली रन के लिए बीच के ऊपर, यानी कि बीच पर वो रोजाना घूमने जाते हैं तो आज उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने छोड़ दिया, सेकंड देखो। वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट विद योर क्लू, इन सेंटेंस को फिल करना है इस वर्ब के थ्रू। पहले में ट्रेम्बल है, तो द अर्थ ट्रेम्बल्ड व्हेन मैन मैनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग, लोग फील कर रहे थे तो यहाँ आ जाएगा ट्रेम्बलिंग। व्हेन द जू वाज फ्लडेड, जब चिड़ियाघर में बाढ़ आ गई, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूज का क्या बन जाएगा, कंफ्यूजन। वी हियर्ड विद रिफिल, रिलीफ, रिलीफ का क्या बन जाएगा, रिलीफ नाउन बन जाएगा। और द जू कीपर वाज स्टक इन ए ट्री एंड हिज, जू कीपर वाले में आ जाएगा रेस्क्यू, क्या आ जाएगा, रेस्क्यू। और फिफ्थ के अंदर एक्साइट है, एक्साइट का क्या बन जाएगा, एक्साइटमेंट, एक्साइट का क्या बन जाएगा, एक्साइटमेंट। देर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज, ये वर्ब दी हुई है, वर्ब के यहाँ पर हम नाउन या फिर कुछ और चीज बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आप अपने जिस जिसने नहीं किए वो अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके अपनी नोटबुक चेक करवा देना, और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कल की वीडियो के अंदर समझा देंगे। थैंक यू।